हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि पाइथन मॉड्यूल्स क्या होते हैं, उनका क्या यूज़ है और आप अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं. ओके, तो ये मॉड्यूल्स वर्ड आया है वो कहाँ से आया है? वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग से आया है. मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं? इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सेगमेंटिंग अ सिंगल कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग टास्क इंटू मल्टीपल सिंपलर इजियर टू मैनेज सब टास्क. मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में एक बड़े और कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. आप ऐसे समझ सकते हैं, एक बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर दिया गया और ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं इनको बोलते हैं सब टास्क, राइट. अब ये जो सब टास्क हैं ये क्या होते हैं? ये मॉड्यूल्स कहलाते हैं, राइट. और ये जो मॉड्यूल्स होते हैं वो अपने आप में सेल्फ सफिशियंट होते हैं, वो इंडिविजुअली वर्क करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर टास्क होता है, राइट. तो जो एक बड़ा कोडिंग टास्क था उसको क्या किया, उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. जो और जितने भी जो पार्ट्स में आपने डिवाइड किया उनका एक पर्टिकुलर वर्क है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं. ओके, और जब आप इन सारे जो सब टास्क हैं इनके वर्क को मिला के आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास वो कोडिंग टास्क आ जाएगा जो आप अचीव करना चाहते हैं, राइट. तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स सब टास्क होते हैं किसी भी बड़े कोडिंग प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट होता है जो इंडिविजुअली वर्क करता है, इंडिविजुअली एक टास्क को कंप्लीट करता है, राइट. अब हम बात करेंगे पाइथन मॉड्यूल की. अ पाइथन मॉड्यूल इज़ अ फाइल. अ पाइथन मॉड्यूल क्या, एक फाइल है डेट कंटेन्स बिल्ट इन फंक्शंस. उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो पाइथन लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट. क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं. तो पाइथन मॉड्यूल एक छोटी फाइल होती है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है जिसको आप इंपोर्ट करने के बाद यूज़ कर सकते हो. देर आर मैनी पाइथन मॉड्यूल्स ईच विद इट्स स्पेसिफिक वर्क. तो पाइथन मॉड्यूल्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया मॉड्यूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और उनका एक जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, राइट, सब टास्क होते हैं, वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वर्क वो परफॉर्म करते हैं, राइट. तो यहाँ पे क्या है, देयर आर मैनी पाइथन मॉड्यूल्स, बहुत सारे पाइथन मॉड्यूल्स हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक काम होता है, वर्क होता है, विच कैन बी यूज इन अदर पाइथन प्रोग्राम्स. तो पाइथन मॉड्यूल्स को दूसरे पाइथन प्रोग्राम्स में इम्पोर्ट करके यूज़ किया जाता है, उनकी फंक्शनैलिटी को यूज़ किया जाता है, राइट. पाइथन मॉड्यूल्स आर फाइल्स विद द डॉट पी वाई एक्सटेंशन. पाइथन मॉड्यूल्स जो फाइल्स होती हैं वो उनकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट पी वाई. ओके, इन ऑर्डर टू यूज़ अ मॉड्यूल, अगर आपको पाइथन मॉड्यूल को यूज़ करना है, यू नीड टू फर्स्ट इम्पोर्ट द मॉड्यूल इन अ प्रोग्राम. तो आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम में उसको इम्पोर्ट करना होगा, उसको लाना होगा अपने प्रोग्राम में. ओके, देन यू कैन यूज़ द मॉड्यूल फंक्शन. अगर आपने उसको इम्पोर्ट कर लिया उसके बाद ही आप मॉड्यूल के फंक्शन, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट और जो भी ऑब्जेक्ट्स उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में प्रेजेंट है आप उसको अपने प्रोग्राम फाइल में यूज़ कर सकते हैं, राइट. ओके, अब इंपोर्ट कैसे करेंगे? इंपोर्ट करने के लिए देखो, इंपोर्टिंग पाइथन मॉड्यूल्स, तो जो हमारे पास फर्स्ट वे है वो क्या है, यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट. इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल द एट्रीब्यूट्स लाइक वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एंड मैथड्स प्रेजेंट इन द मॉड्यूल. इम्पोर्ट, जब आप इम्पोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके किसी भी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हो तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप उस कम्प्लीट मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इम्पोर्ट कर रहे हो. उस मॉड्यूल के अंदर कोई भी वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, जितने भी मैथड्स हैं, ओके, जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, आप उन सबको अब यूज़ कर सकते हो, राइट. ओके, तो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ. इन केस ऑफ एक्सेसिंग स्पेसिफिक मॉड्यूल्स इट कैन बी मॉडिफाइड एज. अगर आपको क्या करना है, आपको एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है अपने प्रोग्राम में, तो आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, मॉड्यूल 1, कोमा मॉड्यूल 2, लाइक दिस, मॉड्यूल n, राइट. नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हो. ओके, टू एक्सेस पर्टिकुलर मेथड फ्रॉम एनी मॉड्यूल, अगर आपको किसी भी मॉड्यूल का एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ करना है तो आप डॉट नोटेशन की हेल्प से उसको यूज़ कर सकते हो, मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शन नेम. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं. तो यहाँ पे मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है. मैथ मॉड्यूल क्या है, बिल्ट इन मॉड्यूल है जो पाइथन लाइब्रेरी में अवेलेबल है. अब आपने इसको इंपोर्ट किया है तो इसके बाद क्या कर सकते हो, आप इसके किसी भी फंक्शन को यूज़ कर सकते हो. तो इसके, जैसे मैंने लिया मैथ, ये मॉड्यूल का नेम है, तो मैं मैथ मॉड्यूल के स्क्वेयर रूट फंक्शन का यूज़ करती हूँ, SQRT, स्क्वेयर रूट, राइट. ओके, मैंने यहाँ पे कर दिया 65 एंड प्रेस एंटर, रिजल्ट आ गया आपके पास. ओके, तो मैथ जो हमारे पास मॉड्यूल है उसके और फंक्शंस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. जैसे मैंने मैथ का ले लिया सील फंक्शन, सील फंक्शन, इसमें आपने वैल्यू दे दी 3.4. तो ये क्या करेगा, एक
3.4 से बड़ा इंटीजर आपको शो कर देगा। आ गया 4 हमारे पास आ गया। अब आप क्या करोगे, इंपोर्ट में आप एक साथ मल्टीपल मॉड्यूल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ले लिया मैथ, ओके, और मैंने यहाँ पे ले लिया रेंडम मॉड्यूल, रेंडम मॉड्यूल ले लिया, ओके। तो आप यहाँ पे देखो मैथ को भी यूज़ कर सकते हो, मैथ मॉड्यूल को, मैथ डॉट मैंने स्क्वायर रूट ले लिया यहाँ पे, SQRT स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 49 का हम निकाल लेते हैं, राइट, आ गया। और मैंने रैंडम को भी यहाँ पे इंपोर्ट किया है, तो मैं रैंडम को भी यूज़ कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे रैंडम, रैंडम डॉट रैंडम के फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, रेंड रेंज, ठीक है, रेंड रेंज, रेंड रेंज फंक्शन को हम यूज़ कर लेते हैं। तो 30 यहाँ पे वैल्यू ली है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 0 से 30 के बीच में जो भी वैल्यूज़ होगी कोई भी एक, वो यहाँ पे शो कर देगा। 22 इसने शो कर दी, एक रैंडम वैल्यू इसने शो कर दी है, फाइन। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक साथ दो मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट किया और दोनों के फंक्शंस को अब मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, ओके। नेक्स्ट मेथड जिसकी हेल्प से आप मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो वो है फ्रॉम स्टेटमेंट। यूजिंग फ्रॉम स्टेटमेंट, पाइथन्स फ्रॉम स्टेटमेंट लेट्स अस इंपोर्ट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और मेथड्स फ्रॉम अ मॉड्यूल। तो किसी भी मॉड्यूल से आप कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी मेथड इंपोर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द फ्रॉम स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम। तो जिस भी मॉड्यूल से आपको लेना है कोई पर्टिकुलर फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन, उसका नाम और इंपोर्ट कर लोगे फंक्शन नेम, ओके। आप एक फंक्शन भी इंपोर्ट कर सकते हो, आप मल्टीपल फंक्शन भी इंपोर्ट कर सकते हो। फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम 1, फंक्शन नेम 2, फंक्शन नेम n, राइट। आप कितने भी चाहो उतने फंक्शंस को इंपोर्ट कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज़ करके अपने स्पेसिफिक मॉड्यूल से, मान लो मैंने यहाँ पे मैथ मॉड्यूल से मुझे क्या इंपोर्ट करना है, एक स्पेसिफिक फंक्शन इंपोर्ट करना है स्क्वायर रूट का, मैंने किया SQRT स्क्वायर रूट, ओके। अब मेरा मैथ मॉड्यूल का स्क्वायर रूट फंक्शन इंपोर्ट हो चुका है, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे डॉट नोटेशन की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूँगी मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट और फिर मैं यहाँ पे वैल्यू दूँ, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने क्या किया है, मैथ मॉड्यूल से स्क्वायर रूट फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया है। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे फंक्शन को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, मैंने क्या किया स्क्वायर रूट 100 और प्रेस एंटर, आपके पास आंसर आ गया है, राइट। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, किसी भी मॉड्यूल से मल्टीपल फंक्शंस को, उसके एट्रीब्यूट्स को, वेरिएबल्स को इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम मैथ, राइट, इंपोर्ट। अब मैं मल्टीपल यहाँ पे फंक्शन को इंपोर्ट करूँगी स्क्वायर रूट, और आपने लिख दिया फैब्स फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। सील, सील फंक्शन हमने ले लिया, फ्लोर ले लेते हैं, ठीक है, फ्लोर फंक्शन ले लिया, फाइन, ओके। अब ये चारों फंक्शन हमारे पास इंपोर्ट हो चुके हैं मैथ मॉड्यूल के, आपने 4 फंक्शंस को इंपोर्ट कर लिया है, ओके। तो अगर यहाँ पे अब आप सिंपली इनको यूज़ कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया 49, ओके, स्क्वायर रूट 49 का आपके पास 7 आ गया, राइट। अब फैब से क्या होगा, आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, मैंने यहाँ पे लिखा फैब्स, ठीक है, और -10 लिख दिया, राइट। तो माइनस का आपका साइन हट जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, ओके, फ्लोट की फॉर्म में, राइट। अब सील फंक्शन का भी यूज़ कर लेते हैं, सील फंक्शन में क्या है, आपके पास इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, बिगर देन द नंबर, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2.93 आ गया आपके पास, ओके। अब फ्लोर का भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग, फ्लोर फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, फ्लोर में आपने जैसे वैल्यू दे दी यहाँ पे 2.7, राइट, ओके। तो आपके पास इंटीजर वैल्यू आ गई है फ्लोर फंक्शन का यूज़ करके, ओके, स्मॉलर देन द नंबर, राइट। तो देखो आपने क्या किया, मॉड्यूल से एक साथ मल्टीपल फंक्शंस को इंपोर्ट किया है, राइट। नेक्स्ट मेथड है आपका इंपोर्ट स्टार स्टेटमेंट, ओके। इंपोर्ट स्टार स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू इंपोर्ट ऑल द एट्रीब्यूट्स इन फंक्शन फ्रॉम अ मॉड्यूल, राइट। तो किसी भी मॉड्यूल के सारे फंक्शन और सारे एट्रीब्यूट्स यूज करने के लिए आप क्या स्टेटमेंट यूज करोगे, फ्रॉम मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल का नेम, इंपोर्ट स्टार, राइट। तो इससे क्या होगा, उस मॉड्यूल की, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर जो भी प्रेजेंट है, जितने भी फंक्शन, जितने भी एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट हैं, वो सारे आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएंगे, राइट। वी कैन एक्सेस एनी फंक्शन विच इज़ इनसाइड अ मॉड्यूल बाय द मॉड्यूल नेम एंड फंक्शन नेम सेपरेटेड बाय अ डॉट। ये तो आपको पता ही है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर
मॉड्यूल का कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन यूज करना है तो आप क्या करोगे, मॉड्यूल का नेम डॉट फंक्शन का नेम, राइट। दिस फॉर्मेट इज नॉन एज डॉट नोटेशन। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारी इम्पोर्ट स्टार स्टेटमेंट, इसको अभी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इम्पोर्ट स्टार्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मैंने लिया फ्रॉम हम यहाँ पे लेंगे स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल से आपने किया इम्पोर्ट, राइट, स्टार, इम्पोर्ट स्टार। तो अब स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल के जितने भी फंक्शंस हैं, एटीब्यूट्स हैं, वो आपके प्रोग्राम में इम्पोर्ट हो चुके हैं, राइट। तो मैं इसको यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे लिखा मैंने मीन फंक्शन का यूज़ किया, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सिक्वेंस लूँगी जिसका वो मीन निकालेगा। तो मैंने यहाँ पे सिक्वेंस ले ली 4, 6, राइट, 7, 8, 10 और 45, राइट, ओके। मैंने सिक्वेंस ले लिया, ओके, एंड देन प्रेस एंटर, आपके पास आ गया मीन, आ गया, ओके। अब क्या करते हैं, इसके और फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं, फाइन। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करती हूँ, मैं मीडियन निकालती हूँ, ओके। तो मीडियन क्या है, मिडल वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। मैंने लिखा मीडियन, ओके, और यहाँ पे हम सीक्वेंस ले लेते हैं जिसका आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है 1, 2, 3, ओके, एंड 4 एंड 5। तो क्या होगा, इसकी मिडल वैल्यू निकल के आ जाएगी। मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू होती है, राइट, ये आपके पास आ गया 3 इज़ द मिडल वैल्यू, ओके। तो देखो, स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल के जितने भी आपके पास फंक्शंस थे वो सारे क्या हो चुके हैं, इम्पोर्ट हो चुके हैं बाय यूजिंग द फ्रॉम स्टेटिस्टिक्स इम्पोर्ट स्टार स्टेटमेंट से, राइट। नेक्स्ट वी हैव मॉड्यूल एलियसिंग। मॉड्यूल एलियसिंग क्या है, रीनेमिंग अ मॉड्यूल एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट। जब आप मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हो आप उसको रीनेम करते हो, राइट, मींस आप उसको एक दूसरा नाम देते हो, उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल एलियसिंग बोलते हैं। और ये आप कैसे करते हो, बाय यूजिंग द एस कीवर्ड, ओके। इसका सिंटेक्स क्या है, इम्पोर्ट, आपने इम्पोर्ट किया मॉड्यूल का नेम एज एलियस नेम। तो यहाँ पे मान लो कोई आपका मॉड्यूल का नेम है मैथ, राइट, और मैंने उसको एक निक नेम दे दिया, एलियस नेम दे दिया, मैंने उसको दे दिया एम, एज एम। तो आप अगर किसी भी फंक्शन को कॉल करना चाहते हो, इम्पोर्ट करना चाहते हो मैथ मॉड्यूल के, तो आप क्या कर सकते हो, एम डॉट उस पर्टिकुलर फंक्शन का नेम, आपको कंप्लीट मैथ लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसे यहाँ पे मैं लिखा इम्पोर्ट मैथ एज एम, ओके। अब मैं क्या करूँगी, मैथ मॉड्यूल को कंप्लीट नहीं लिखूँगी, मैंने लिख दिया एम डॉट स्क्वेयर रूट, SQRT स्क्वेयर रूट, ओके, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 50 का मुझे स्क्वेयर रूट निकालना है, फाइन, एम डॉट स्क्वेयर रूट, राइट। तो आपका स्क्वेयर रूट निकल के आ गया, आपको पूरा मैथ नहीं लिखना पड़ा। तो एलियस क्या नेम, एलियस नेम क्या होता है, निक नेम होता है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इम्पोर्ट और आपका मॉड्यूल क्या है, रैंडम मॉड्यूल, ठीक है, रैंडम मॉड्यूल, और उसको मैंने कर दिया एस आर, ओके, और मैंने यहाँ पे लिखा आर डॉट रैंडम। रैंडम क्या है, रैंडम फंक्शन है, ओके, रैंडम फंक्शन किसका फंक्शन है, रैंडम मॉड्यूल का फंक्शन है, फाइन। तो यहाँ पे ये क्या जनरेट करेगा, ये 0 से 1 के बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू को जनरेट कर देगा, ठीक है, आ गया, 0 से 1 के बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू जनरेट करती है, फाइन। तो यहाँ पे R एंड M क्या है, एलियस नेम है मॉड्यूल्स के, ओके ओके एवरीवन। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।